पटाखों के बिना दिवाली कैसी होगी ये तो हम एक्सपीरियंस करेंगे, पर क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में पटाखे और दिवाली का कनेक्शन क्या है, और पटाखे कब से दिवाली पर चलने शुरू हुए, और हिंदुस्तान में पटाखों का कितना बड़ा कारोबार है? आज हम आपको बताएंगे इसी के बारे में। तमिलनाडु का विरुधुनगर ज़िला एक ऐसा इलाका जहां पर सबसे ज़्यादा पटाखे बनते हैं। तो शुरुआत हुई थी 1930 में, दो नौजवानों ने 1930 में एक माचिस का कारखाना वहां पर लगाया था, लेकिन माचिस के कारखाने के बाद धीरे धीरे पूरा काम आगे बढ़ता चला गया और उस पूरे इलाके में लोगों ने माचिस के कारखाने के बाद वहां पर छोटे छोटे पटाखे के कारखाने खोल लिए, और इसीलिए तमिलनाडु का विरुधुनगर आज जाना जाता है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पटाखा निर्माण केंद्र के तौर पर। तमिलनाडु के विरुधुनगर के शिवकाशी में एक बहुत बड़ा पटाखा केंद्र है। वैसे 1930 में दो नौजवानों ने यहीं से माचिस का कारखाना लगाया था, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कारोबार और आगे बढ़ता चला गया और ये पूरा केंद्र एक तरीके से पटाखा निर्माण केंद्र के तौर पर विकसित हो गया। आज की अगर तारीख की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पटाखे उसी जगह पर बनते हैं। लेकिन अब अगला सवाल ये भी है कि कनेक्शन क्या है, यानी कि कब दिवाली पर पटाखों की एंट्री हुई और पटाखे जलना एक रिवायत के तौर पर जाना जाने लगा। तो भारत में जितनी भी जंगें होती थी उनमें बारूद का इस्तेमाल बहुत होता था, और जो रिसर्च में पाया गया वो ये कि 1400 ईस्वी के आसपास जितनी भी जंग हुई थी उसमें आतिशबाजी का प्रयोग हुआ जिसमें बारूद का इस्तेमाल बहुत होता था, और ऐसा ही बारूद की जो खोज हुई थी वो हुई थी चीन में और 11वीं सदी के आसपास का वक्त बताया जाता है। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक आतिशबाजी का पहला ऐतिहासिक प्रमाण जो मिलता है वो है 1443 में, यानी उसके आसपास, और विजयनगर साम्राज्य में ये मिलता है। इसके अलावा 18वीं सदी के जो शासक थे उनके द्वारा दीपावली पर आतिशबाजी की शुरुआत की गई थी। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही है कि पटाखों का कारोबार शिवकाशी तक कैसे पहुँचा, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, चलिए वो आपको बताती हूँ। हुआ यूँ कि आतिशबाजी और पटाखों का एक कारखाना 19वीं सदी में कोलकाता में स्थापित हुआ, और उसी दौरान उस कारखाने में दो लोग काम किया करते थे जिनका लिंक था शिवकाशी से, यानी कि वहाँ के रहने वाले थे, और उनका नाम भी अय्या नाडर और षणमुगा नाडर थे। तो इन दोनों ने वहाँ से आतिशबाजी का कामकाज सीखा और फिर उसके बाद माचिस का एक कारखाना शिवकाशी में बनाया, तो बस वहीं से आतिशबाजी के कारखाने की भी शुरुआत हुई। और इन्हीं में से एक यानी कि अय्या नाडर ने 1925 में नेशनल फायर वर्कर्स की स्थापना भी की थी। तो यानी ये पूरा जो केंद्र है वो एक तरीके से आतिशबाजी के एक बड़े केंद्र के तौर पर उसके बाद विकसित होने लगा। लेकिन इस कारखाने में, और या कहें कि इस पूरे इलाके में आतिशबाजी और पटाखे बनाने के काम में तेजी आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसका एक बहुत बड़ा कारण मिलता है। देखिए, शिवकाशी करीब 500 किलोमीटर दूर पड़ता है चेन्नई से, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 के आसपास की बात है जब अंग्रेज़ों ने पटाखों के आयात या फिर आतिशबाजी के आयात पर रोक लगा दी थी, और उसी के बाद इस पूरे इलाके को और ज़्यादा विकसित किया जाने लगा। यानी पहले जहाँ 1939 से पहले की जब हम बात करें तो जहाँ गिने चुने छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे, वहीं 1939 के बाद एक बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल हब के तौर पर, आतिशबाजी का इंडस्ट्रियल हब के तौर पर ये पूरा इलाका विकसित होने लग गया था। अब यहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर इतना बड़ा वहाँ पर हब है आतिशबाजी का पटाखों का, तो कितना टर्नओवर होता होगा, ये भी बहुत दिलचस्प बात है और ये फैक्ट्स भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आज अगर शिवकाशी की बात कर लें तो 1100 लाइसेंसधारी पटाखा कारखाने वहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 800,000 कर्मचारी हैं जो इन कारखानों में काम करते हैं, जिनको रोज़गार मिला हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा रोज़गार पाने वाली पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं हैं यहाँ पर, यानी कि महिलाएं सबसे ज़्यादा यहाँ पर पटाखा कारखानों में काम करती हैं। और इसके अलावा नाडर परिवार की खुद की, जो कि 1942 में स्थापित हुई थी, स्टैंडर्ड फायर वर्क्स और श्री कालेश्वरी फायर वर्क्स कंपनियाँ, ये दोनों ये सबसे बड़ी पटाखा निर्माता कंपनियाँ वहाँ पर हैं, और इसमें भारत के करीब 90% पटाखे जो होते हैं वो इस पूरे इलाके में बनाए जाते हैं। सालाना टर्नओवर की अब बात कर लेते हैं, 5,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है इस इलाके में पटाखों का। अब क्योंकि इलाका शहर बहुत छोटा सा है और इस इलाके का जो वातावरण है या आबो हवा जिसको हम कह देते हैं वो काफ़ी मुफीद है यहाँ पर पटाखा बनाने के लिए, और इसीलिए ये इंडस्ट्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकसित हुई। चीन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा पटाखा कारोबार का इलाका है तो वो हमारे हिंदुस्तान में ही है, यानी अगर हमें वोकल फॉर लोकल होना है तो फिर इनकी ही आवाज़ को आगे ले जाना पड़ेगा।
और ऐसे में दीपावली एक ऐसा पर्व होता है जब सबसे ज्यादा बिक्री यहाँ पर होती है। 70% जो कारोबार होता है वो दीपावली के आसपास होता है। हालांकि कोरोना काल की अगर बात कर ली जाए तो 30% कारोबार में कमी भी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि दीपावली या उसके आसपास ही पटाखा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर दरअसल जितने भी कर्मचारी हैं वो 365 दिन काम करते हैं, पूरे साल यहाँ पर काम होता है, पूरे साल मेहनत होती है। लेकिन एक दुखद पहलू इसका ये भी है, अब क्योंकि ये बारूद से जुड़ा हुआ कारोबार है, बारूद से जुड़ा हुआ काम है, तो दुखद पहलू ये भी है कि हर साल करीब 25 से 30 लोगों की पटाखा बनाने के दौरान मौत भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर 90% जो कारोबार का हिस्सा है वो उत्तर भारत में होता है। लेकिन इस बार क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, NGT ने सीधे सीधे बैन लगा दिया है, तो उस वजह से थोड़ा कारीगर निराश भी हैं, परेशान भी हैं कि कारोबार का इस बार होगा क्या। तो ये उदासी मायूसी ज़रूर उनके चेहरों पर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात भी है कि सेहत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली और NCR जिस तरीके से गैस चैम्बर बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे देश के इलाके हैं जो प्रदूषण की वजह से परेशान हैं या लोग भी प्रदूषण को झेल रहे हैं। तो ऐसे में सोचिए कि अगर आतिशबाजी का इस्तेमाल होगा तो फिर कितना बारूद जलेगा और किस तरीके से। गैस चैम्बर तो वैसे ही है दिल्ली और NCR, तो उसके बाद हालात क्या हो जाएगी। तो दोनों हैं, सिक्के के दोनों पहलू हैं। वो श्रमिक परेशान हैं, निराश हैं कि इस बार NGT ने बैन लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ सेहत भी उतनी ज़रूरी है।